अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। सर उमर मुगल के चैनल के ऊपर खुश आमदीद। स्टूडेंट, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट का चैप्टर चल रहा था, जो कि फर्स्ट ईयर कॉमर्स बीकॉम पार्ट वन और उसके अलावा बैचलर्स में पढ़ने वाले स्टूडेंट और सर्टिफिकेशन करने वाले स्टूडेंट के लिए एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। आज के लेक्चर के अंदर हम एक क्वेश्चन लेकर आए हैं, जिसमें कुछ पहले वाले क्वेश्चन से डिफरेंट एंट्रीज को डिस्कस करेंगे। इंशाल्लाह आपको ये क्वेश्चन भी बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा, जैसे कि पिछले क्वेश्चन आपको समझ में आते रहे हैं और आपका उस पर पॉजिटिव फीडबैक आया है। इंशाल्लाह इस पर भी आपका पॉजिटिव फीडबैक आएगा। सो वीडियो पूरी देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि रदरफोर्ड इनकॉर्पोरेशन हैज़ डिफरेंस इन द बैलेंस एज पर कैश बुक, उन्होंने जो कैश बुक बनाई उसमें, एंड बैंक स्टेटमेंट एज ऑन 31 मार्च 2019, उसमें आया डिफरेंस। यू आर एडवाइज टू प्रिपेयर, आपको कहा जा रहा है कि आप बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बनाएं इस डेट की विद द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। आपको कहा कि बैंक स्टेटमेंट के मुताबिक 31 मार्च 2019 का जो बैलेंस है वो $4,000 है और एज पर कैश बुक $1,400 है। अच्छा, अब डिस्क्रिपेंसीज क्या हैं इस डिफरेंस के दरमियान। सबसे पहले चेक ऑफ $1,000 और $1,500, मतलब टोटल $1,500 हो गया। इश्यू किया था आपने 30 मार्च को, यानी कि एक दिन पहले, लेकिन वो अब तक क्लियर नहीं हुआ। तो अब देखें, यहाँ पर बच्चे नॉर्मली समझते हैं अनक्लियर चेक है, तो यहाँ पर ये भी देख लें, ये इशू है। इशू का माना क्या है कि आपने पेमेंट के लिए दिया था, तो वो आउटस्टैंडिंग चेक कहलाएगा या अनप्रेजेंटेड, के सप्लायर को दिया और वो लेकर नहीं आया बैंक में, ठीक है ना। तो यहाँ पर नॉट क्लियर से मुराद आप ये नहीं बिल्कुल समझेंगे कि आपने डिपॉजिट करवाया था, पीछे ये देख लें आपने इशू किया था। एन इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक, बैंक ने इंश्योरेंस प्रीमियम या इंश्योरेंस एक्सपेंस कह लें $200 का पे किया। इट इज़ नॉट येट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, कैश बुक में अब तक रिकॉर्डेड नहीं है, इसका मतलब आप अपने पास रिकॉर्ड करेंगे। एन आउट गोइंग चेक ऑफ ₹2,000 का एक चेक था आउट गोइंग, यानी कि इशू किया था, पेमेंट की थी, रिकॉर्डेड ट्वाइस इन द कैश बुक, कैश बुक में दो बार आपने रिकॉर्ड कर दिया, यानी कि 2,000 लेस करवाना था, एक बार करवा दिया, फिर दूसरी बार भी करवा दिया, तो टोटल तो 4,000 लेस हो गया ना। तो इट इज प्रॉपरली रिकॉर्डेड इन बैंक स्टेटमेंट, बैंक स्टेटमेंट में तो प्रॉपरली रिकॉर्डेड है, यानी कि 2,000 से रिकॉर्डेड है। पेमेंट ऑफ अ चेक ऑफ $400 रिकॉर्डेड ट्वाइस इन पासबुक, अब पासबुक ने गलती कर दी कि $400 का चेक था जिससे पेमेंट की जा रही थी, उसको 400 लेस करवाना था, एक बार करवाया, फिर दोबारा करवा दिया, टोटल $800 लेस करवा दिया। डिविडेंड रिसीव हुए $500 के, कलेक्शन है रिकॉर्डेड ओनली इन द बैंक स्टेटमेंट, सिर्फ बैंक स्टेटमेंट में रिकॉर्डेड है, नॉट इन कैश बुक, कैश बुक में रिकॉर्डेड नहीं है, तो कैश बुक में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट कह रहे हैं चेक ऑफ $700 डिपॉजिट आपने करवाया था 29 मार्च को डिपॉजिट, बट इट इज़ नॉट येट कलेक्टेड या अनक्रेडिटेड या रिकॉर्डेड या अनक्लियर, ये है अनक्लियर चेक, जिसको आप बैंक स्टेटमेंट में ऐड करवाएंगे, ऐड करवाने के लिए ही तो भेजा था, डिपॉजिट करवाए क्योंकि, ये देख लें। बैंक चार्जेस ऑफ ₹100 डेबिटेड ओनली इन बैंक पासबुक, बैंक की पासबुक में डेबिटेड है, यानी कि उसने चार्जेस काटे हैं ओनली, इसका मतलब आपके पास रिकॉर्डेड नहीं है, तो आप अपने पास इसको रिकॉर्ड करेंगे। तो चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। तो आपके पास रदरफोर्ड इनकॉर्पोरेशन बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट फॉर द मंथ ऑफ मार्च 31, 2019, पर्टिकुलर्स कैश बुक और पासबुक, बैलेंस एज पर पासबुक यानी कि बैंक रिकंसिलेशन कितना था $4,000 और एज पर कैश बुक $1,400 था। सबसे पहले आप ऐड करवाएंगे, सॉरी लेस करवाएंगे, या मैंने गलती से लिख दिया, देखें मुझसे भी मिस्टेक हो सकती है, तो यहाँ पर लेस करवाएंगे अनप्रेजेंटेड चेक, ठीक है ना, ये लेस होगा क्योंकि इशू किया था अनप्रेजेंटेड चेक, ₹1,000 का था और दूसरा 500 का, तो टोटल ₹1,500 से अनप्रेजेंट होगा, आपने अपने पास से लेस करवा दिया, पासबुक में नहीं गया, ठीक है ना, क्योंकि बैंक लेकर पहुंचे ही नहीं, तो आप पासबुक से लेस करवाएंगे। उसके बाद इंश्योरेंस प्रीमियम बैंक ने पे किया था, आपके पास रिकॉर्डेड नहीं था, तो आप अपने पास से लेस करवाएंगे $200। उसके बाद ऐड करवाया आउटगोइंग चेक लेस ट्वाइस, देखे ना, ₹2,000 आपने लेस करवाने थे, आपने दो बार करवा दिए, इसका मतलब आपका -4,000 फिगर आया ना, तो इसका मतलब आपने क्या करवाना पड़ेगा, ₹2,000 आप ऐड करवा दोगे, तो प्लस माइनस माइनस, चार में से दो गया, दो बज गया माइनस का, ठीक है ना, जो कि रियल बैलेंस आएगा और ₹2,000 आपके ऐड बैक हो जाएंगे, किसमें, कैश बुक में, क्योंकि गलती किससे हुई थी, कंपनी से हुई थी। ऐड करवाएंगे पेमेंट ऑफ चेक लेस ट्वाइस पासबुक, बैंक ने गलती की थी, आपने चेक पेमेंट के लिए इशू किया ₹400 का, बैंक से माइनस होना था ₹400, लेकिन उसने दो बार करवा दिया, दो बार करवाने का मतलब है कि एक और बार करवा दिया, ठीक है ना, यानी कि यूं माइनस माइनस कह लें, माइनस माइनस प्लस हो गया,
तो 800 माइनस हो गया, तो आपको बैलेंस को ठीक करने के लिए 400 रुपये क्या करवाने पड़ेंगे, ऐड करवाने पड़ेंगे, ताकि आपका बैलेंसिंग फिगर क्या है 4 रुपये नेगेटिव में या 400 रुपये नेगेटिव में, इसलिए आप पासबुक में $400 ऐड बैक करवाएंगे। उसके बाद डिविडेंड कलेक्शन हुई है, बैंक के पास रिकॉर्डेड है, आपके पास नहीं है तो आप अपने पास इसको ऐड करवाएंगे क्योंकि पैसे आ रहे हैं और आपकी इनकम है। उसके बाद आपने एक चेक डिपॉजिट करवाया था 29 मार्च को $700 का, जो कि अब तक कलेक्ट नहीं हुआ या क्लियर नहीं हुआ या अनक्रेडिटेड हो गया या रिकॉर्ड नहीं किया $700 का, तो वो पासबुक में आपने तो अपने पास रिकॉर्ड करवाया हुआ है, ठीक है ना, तो वो ऐड करवा देंगे। बैंक चार्जेस उसने कहा 100 रुपये के सिर्फ और सिर्फ पासबुक में रिकॉर्डेड हैं, आपके पास नहीं है तो आप अपने पास से इसको लेस करवा देंगे। इसका टोटल करेंगे तो एडजस्टेड बैलेंस $3,600 आ जाएगा और पासबुक का भी $3,600 आ जाएगा। सो आई होप कि ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर इसके अंदर कोई भी कन्फ्यूजन होती है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं।